हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो है माय जुलाई एंड अगस्त फेवरेट्स टुगेदर, क्योंकि जुलाई में मेरे पास ऐसा कुछ ज्यादा था नहीं दिखाने के लिए इन टर्म्स ऑफ माय फेवरेट्स। सो आई थॉट यू नो व्हाई नॉट कंपाइल दोनों मंथ टुगेदर एंड वी कैन डू अ वेरी गुड मंथली फेवरेट्स वीडियो। ऑल्सो गाइज, इतनी गर्मी हो रही है, यू कैन लिटरली सी स्वेट ऑन माई फेस। बट विदाउट एनी मोर फर्दर अडू, लेट्स गेट इन टू द वीडियो। ओके, सो आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर कैटेगरी गाइज, बहुत ही चीजें रैंडम है इसमें। सो लेट्स जस्ट बिगिन लाइक वेरी रैंडमली, लेट्स टॉक अबाउट दिस सबसे पहले। सो दिस हैज बीन माई लिटरल फेवरेट सिपर यू नो सिंस ऑगस्ट। मैंने आपको बताया था अपने ब्लॉग में रिसेंटली दैट आई गॉट दिस फ्रॉम मिनिसो एंड तब से गाइज आई एम ऑब्सेस्ड। इसके बिना मैं अब पानी नहीं पीती हूँ। आई एम लाइक आई लव ड्रिंकिंग वाटर इसमें से। तो उसकी डिटेलिंग है लाइक इफ यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सो प्रिटी, इट इज सो पिंक। उसके बाद जो उसके ऊपर डिटेलिंग है ऑफ यू नो दिस जो इनके जो बाबी के सनग्लासेस होते हैं, आई लिटरली लव इट। सो द इंटायर थिंग इज सो सो प्रिटी एंड आई फील लाइक ये 750 ml है। सो आई कीप रीफिलिंग इसमें मेरा पानी। ये कोई इंसुलेटेड बॉटल नहीं है, इट इज प्रॉपर लाइक प्लास्टिक, बट पैकेजिंग इज एवरीथिंग गाइज टू मी। सो दिस वन आई लव। हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, सो टेक अ सिप अभी मेरे साथ हो गया पानी का। We will be hydrated guys, hydrated queens together. So in terms of beauty and skincare category, मेरे पास guys कुछ भी नहीं है। I do not have any recommendations or any favorites. कि guys इन दो महीनों में I have been on my acne medication. I only apply makeup जो मेरा बहुत ही regular makeup है, so I don't have any skincare recommendations or skincare you know favorites इस महीने में and last महीने में भी। So जो भी skincare दिया गया है, it's by my dermat, so वो बहुत ही you know like ऑफ द काउंटर प्रोडक्ट्स एंड आई कांट रिकमेंड यू गाइज, क्योंकि ऑफकोर्स इट्स ओनली फॉर माई स्किन टाइप। ऑफकोर्स गाइज इतनी गर्मी है एंड हाउ कैन वी नॉट लिव विदाउट अ बॉडी रोल ऑन। दिस वन इज फ्रॉम बी बॉडी वाइज, इसके बारे में मैंने बात करी थी इन माई नाइका हॉल। की फ्रेग्रेंस है, दिस इज इन द वेरियंट बाय द वे गाइज वाटरमेलन। इसकी जो फ्रेग्रेंस है, दिस डज नॉट स्टे इन योर बॉडी थ्रू आउट द डे। जो डव का आता है वो बहुत अच्छा है, बट आई हैव बीन यूजिंग दिस लाइक आई हैव टू यूज इट एंड फिनिश इट, सो मैं इसको यूज कर रही हूँ। बट ठीक है लाइक फॉर अ रेगुलर डे टू डे बेसिस, लाइक मैं घर पे होती हूँ क्योंकि आई एम अ क्रिएटर, सो आई फिल्म घर से ही, बट आई अप्लाई दिस एवरी सिंगल डे, सो मुझे ठीक लग रहा है। आई डोंट स्टेप आउट दैट ऑफन लाइक थ्रू आउट द वीक डे, वीकेंड्स में आई डू स्टेप आउट, बट आई स्टिल अप्लाई दिस लाइक ऑल द टाइम घर पे, सो आई एम फाइन विद इट। देन गाइज आई हैव दिस वन, दिस इज द ये ब्रांड का नाम मैं आज तक प्रोनाउंस नहीं कर पाई हूँ, बट द ब्रांड नेम इज राइट हियर। इस ब्रांड का है गाइज ये मॉइस्चराइज किक स्प्रे कंडीशनर। दिस इज अ स्प्रे कंडीशनर फॉर योर हेयर, जिसको मैंने आज अपने बालों में लगाया बिकॉज आई वॉश माई हेयर आज, सो आई लाइक इट। इट हैज अ वेरी यू नो माइल्ड सी फ्रेग्रेंस एंड इट डज गिव योर हेयर दैट शाइन यू नो एंड दैट लाइक हेल्दी थिंग। फ्रिज को कंट्रोल तो गाइज हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो ऑन द मार्केट, फ्रिज को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, स्पेशली इन दिस वेदर जहाँ पे बारिश कभी भी हो जाती है। यू डोंट रियली नो वेदर इज सो ह्यूमिड एंड चिपचिप दैट एनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैन नॉट यू नो गेट रिड ऑफ योर फ्रिज, बट वी कैन ट्राई आर लेवल बेस्ट कि हम दोनों अपने बालों को मेंटेन करके रख सकते हैं। सो दिस वन आई हैव बीन रियली लविंग एंड यू कैन सी ये बहुत मेरा हद तक खत्म भी हो चुका है, सो लाइक आई हैव बीन लविंग इट। इसका फ्रेग्रेंस काफी अच्छा है, इट्स वेरी माइल्ड। इसका स्प्रे यू सी का स्प्रे बहुत ही फाइनली मिल्ड है, सो आई लाइक इट फॉर दैट ऑल्सो। बहुत से स्प्रेस बड़े खराब से होते हैं, बट दिस इज एक्चुअली रियली गुड। इट स्मेल्स वेरी नाइस, सो आपके बालों में से बहुत अच्छी नो फ्रेग्रेंस आती है, सो आई क्वाइट लाइक दिस वन। सो द नेक्स्ट हेयर केयर आइटम दैट आई हैव इज द इंडी वाइल्ड का चंपी ऑयल एंड एज यू कैन सी गाइज ये खत्म हो चुका है। ये दीदी मैं मम्मा बहुत यूज करते हैं, वी आर ऑब्सेस्ड विद दिस ब्रांड एंड स्पेशली इस चंपी ऑयल से। दीदी एंड मम्मा हैज यू नो लिटरली सीन अ विजिबल डिफरेंस इन देयर हेयर ग्रोथ एंड यू नो इन द टाइप ऑफ वॉल्यूम जो उनके बालों को मिलती है आफ्टर यूजिंग दिस। उसको आप गाइस एक रात पहले लगा सकते हो, बट द बिगेस्ट थिंग इज दैट यू हैव टू अप्लाई इट थोड़ा गर्म करके। तो गर्म करके इसके अंदर बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं एंड ये खुद इनके यू नो जो बॉक्स आता है उसमें भी लोग लिखते हैं कि आपको उसको गर्म करके यूज करना है, सो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपके बालों में। सो आई क्वाइट लाइक इट फॉर दैट पर्पसेस। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, ये बिल्कुल भी चिपचिप नहीं है और यू नो रात भर आपके बालों से ना वो गंदी सी फ्रेग्रेंस नहीं आती। इट इज क्वाइट माइल्ड एंड इट वर्क्स वंडर्स गाइज। पता नहीं इसके हम कितनी बॉटल अब तक खत्म कर चुके होंगे, बट हमारी ये रिसेंट बॉटल खत्म हुई है, सो आई वाज लाइक आई वांट टू शो यू गाइज ऑल्सो कि हमने लिटरली खत्म कर दिया है। सो रिसेंटली आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विद ज्वेलरी एंड एक्सेसराइजिंग। इफ यू गाइज फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम यू विल सी यू नो हाउ मच आई एम लविंग टू एक्सेसराइज माई आउटफिट। लाइक अब मुझे ना समझ में आती है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेसलेट्स एंड चेन्स एंड यू नो इयररिंग्स, सो नाउ आई गेट इट। सो आई वांट टू शेयर यू नो सम अमेजिंग ब्रांड्स विद यू गाइज जो बहुत अच्छी ज्वेलरी बनाते हैं। सबसे पहला मेरा फेवरेटेस्ट ब्रांड है एंड दैट इज जेड स्टूडियो। मेरे पास इनके दो बॉक्सेस हैं,
आई ऑलवेज ऑर्डर फ्रॉम देम, सो मैंने अब इसको लेबल ही कर दिया कि इसमें इयररिंग्स हैं, इसमें ब्रेसलेट्स हैं. सो जो इयररिंग्स वाला है, आई गेट मोस्ट ऑफ माय इयररिंग्स फ्रॉम देम, मोस्ट ऑफ देम. सो आई हैव यू नो दीज शेल वाले इयररिंग्स, आई लिटरली लव देम. ये मैंने रिसेंटली भी पहने थे. देन आई ऑल्सो हैव दीज वंस, दीज आर ऑल्सो वेरी प्रिटी. मैंने रिसेंटली एक नए ब्रांड्स ऑर्डर करे थे, लेवजेंडर, आई डोंट नो द नेम, उनके साथ भी मैंने ऑर्डर करे थे. ये दीज आर वेरी प्रिटी, लाइक प्रॉपर यू नो छोटे से गोल से हुप्स, आई लिटरली लव देम. ऑल्सो गॉट दीज वन, दीज वन आर फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड फन कंपनी. ये भी मुझे काफी अच्छे लगते हैं, लाइक यू नो प्रॉपर लाइक गोल्ड हुप्स, गोल्ड ज्वेलरी, आई एम लविंग इट. आई डू गेट क्वेश्चन ऑन माई इंस्टाग्राम की आप कहाँ से ब्रेसलेट्स लेते हो, कहाँ से रिंग्स लेते हो. सो मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम यू नो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स गाइस. अब मैं हर ब्रांड अलग ब्रांड होता है. सो ये मैंने रिसेंटली मंगाया है फ्रॉम अगेन जेड स्टूडियो. लिटरली गाइस ऑब्सेस्ड विद दीज. Look at how pretty this chain is. This is a snake chain. अगर आपकी मेरी जैसी ना पतली कलाइयां हैं, लाइक अगर आपकी पतली सी रिस्ट है और आपको पता है पतली रिस्ट में कोई ब्रेसलेट नहीं आता, बट ये इतना परफेक्ट आता है मेरे को गाइस. दिस लिटरली इज लाइक यू नो दैट, ये मेरे पूरे लाइक अच्छे से चिपक जाता है एंड आई एम गुड टू गो. सो मुझे पहला ऐसा ब्रांड मिला है जो लिटरली यू नो लाइक इट केटर्स टू स्मॉल रिस्ट. सो डेफिनेटली ट्राई जेड स्टूडियो, दे आर अमेजिंग. इनकी ज्वेलरी बहुत अच्छी, इट एंटी टार्निश, वाटरप्रूफ, एवरीथिंग. दिस इज लाइक अ कार्टियर थिंग, इफ यू कैन सी. ये भी मुझे काफी अच्छा लगता है, बट इसका बेस्ट पार्ट है कि इसको आपको बस ऐसे पहनना है. यू डोंट हैव टू यू नो अप्लाई दैट, वो क्लैस्प वगैरह होता है वो नहीं इसमें है, लाइक जस्ट Like that. So easy and so versatile. So this goes with everything. And there are बहुत सारे हैं guys. If you want to see a good like proper jewelry collection, I will definitely do a video on that. Guys, एक recent chain मैंने मंगाई है. I want to share with you guys. Like your initial in it, if you can see, this says S. This says S, guys. By the way, and ये ऐसे आती है chain. It looks so so pretty. बहुत सारे you know brands बहुत बड़े initials करते हैं. I don't like that. It's very tacky for me. But I literally love this chain. This is so dainty and so pretty. Like, you know, layering के लिए बहुत अच्छी है. So I literally love this chain. I got this from this brand called Loom. You can see, मैंने इसको भी लेबल करा हुआ है with chains, क्योंकि I have a lot of chains इसके अंदर. So again, guys, if you want to see a proper collection, let me know in the comment section below. मैं proper बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास literally बहुत सारे accessories हैं. A lot of them are from small brands also. And you know, most of them are literally affordable. So you will literally love it. So if you want to see that, comment below. So the last item that I have guys is this bag. If you know, this is my everyday bag. I have done a what's in my bag also quite some while pehle. I will put the link below so you can check it out. But guys, this is one of my favorite bag. This is from this brand called Akiko. Obsessed with it, love it, cannot live without it. Iske andar meri puri duniya aa jati hai. Everything comes in this, my laptop, my iPad, my phone, my zipper. Like guys, literally this also fits iske andar, so literally like no complaints. I am obsessed with this bag. Iska bhi link hoga niche, so do check it out. Like for the price point also, it is so 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 good guys. Generally tote bags are very expensive, bahut mehenge aate hain. So maine wash bhi karwa rakha hai 2-3 baar, iska kharab nahi hua color, iska literally material same hai. So I literally love it. So now let's move on to movies that I've watched in both of these months. So सबसे पहले guys, I've watched this movie called Upgraded. This is this movie on Amazon Prime, I guess. And Riverdale में आती है Camila Mendes, so I literally love her. She is in this movie. So basically it's about her. She is like a, she's from like a small, like you know, like a middle class family, and she lives with her sister. So she moves. उनकी एक जॉब होती है एंड शी मूव्स विद हर बॉस फॉर एन इवेंट एंड शी नेवर थॉट यू नो कभी वो बाहर भी ट्रैवल करेगी. देन शी गेट्स अपग्रेडेड टू अ फर्स्ट क्लास फ्लाइट एंड आफ्टर दैट द मूवी गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो डोंट वांट टू गिव मच अबाउट द मूवी, बट यू कैन डेफिनेटली वॉच इट. इट्स बहुत ही यू नो रोम कॉम एंड फनी टाइप की मूवी है. यू कैन डेफिनेटली वॉच इट. इट इज ऑन अमेजॉन प्राइम. नेक्स्ट दैट आई वॉच्ड इज कॉल्ड फूड फेरी. सो फूड फेरी एक हिंदी मूवी है नेटफ्लिक्स में. सो इट्स अबाउट अ गाय जो लोगों के फीट, जिसको फीट फेटिश है, उनकी फोटो लेता रहता है उन लड़कियों की और उनके पैर काट देता है. सो एंड में मतलब पता चलता है कौन है क्या है. सो दैट्स ऑल्सो लाइक अ मर्डर मिस्ट्री काइंड ऑफ अ मूवी. सो मुझे ठीक लगी. आई एम लाइक नॉट द बिगेस्ट फैन, बट अगर आप बोर हो रहे हो तो आप देख सकते हो, अगर आपको मर्डर मिस्ट्री पसंद है तो. देन आई हैव द मूवी कॉल्ड आफ्टरमैथ. नाउ आफ्टरमैथ इज अबाउट अ पर्सन जो एक मतलब एक बंदे को एक बंदा बेसमेंट के अंदर लॉक कर देता है और उसमें लाइक बहुत कुछ होता है. इट्स ऑल्सो मर्डर मिस्ट्री काइंड ऑफ अ मूवी ऑन नेटफ्लिक्स. यू कैन डेफिनेटली वॉच इट. वो भी अच्छी है. देन गाइज आई वॉच्ड 3-2 जो ऑगस्ट में आई थी. ऑब्सेस्ड गाइज, मुझे अच्छी लगी. मुझे एज अ पर्सन अच्छी लगी. उसके जो दो गाने हैं, आज की रात, तू तो आई नहीं, ऑब्सेस्ड विद दो सॉन्ग्स. आई लिसन टू इट एवरी सिंगल डे लाइक ऑन अ लूप. सो मुझे काफी पसंद है. नाउ व्हाट आई लव्ड अबाउट द मूवी इज की पूरी कास्ट, जो पूरी स्टार कास्ट है लिटरली सेम है. उसके फ्रेंड्स तक सेम है, जो राजकुमार राव के फ्रेंड्स होते हैं, दे आर लिटरली द सेम. सो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा कि एवरीथिंग वॉज सेम. बट इस बार
मूवी में एक नया विलन है, सो लाइक नया एक भूत है, सो दैट इज वेयर द मूवी गोज अराउंड. सो इसके अंदर गाइज बहुत सारे पार्ट्स मिक्स्ड हैं, सो यू हैव टू वॉच भेड़िया मुंजिया मूवी. यू नो आई फील लाइक उनका मल्टीवर्स बनने वाला है लाइक डीसी एंड मार्वल. सो आई फील लाइक वो बहुत अच्छा, यू नो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ऑफ गेटिंग लाइक हॉरर वाला थिंग टुगेदर एंड मिक्सिंग ऑल द मूवीज साथ में. सो बड़ा मजा आता है. सो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड डेफिनेटली गो वॉच इट. इन टर्म्स ऑफ सॉन्ग्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आई लव्ड आज की रात और तू आई नहीं. Also, I've been loving this song called Kashish. So basically, ये लड़का है जो आज तक स्प्लिट्स वाला में था. Now he has written this song for his girlfriend, जिसका नाम कशिश है. So it's a very nice song. I quite like it. So मुझे वो काफी अच्छा लगता है. Very romantic kind of a song for his girlfriend. So very cute that way also. और एक और गाना है तेनू खबर नहीं फ्रॉम द मूवी कॉल्ड मुंजिया. वो भी बहुत प्यारा गाना है. इट्स वेरी नाइस रोमांटिक सॉन्ग अगेन. सो आई क्वाइट लाइक दैट ऑल्सो. यू डेफिनेटली लिसन टू इट. एंड या गाइस दैट वी कम टू एन एंड टू दिस वीडियो. आई रियली होप यू एंजॉयड दिस वन एंड आई रियली होप यू एंजॉयड दिस चैटी मंथली फेवरेट दैट वी डू ऑल द टाइम. सो गाइस यू नो व्हाट यू हैव टू डू. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस. एंड विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन. नेवर बीन टू कैलिफोर्निया. नेवर बीन टू एलए.